सो हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग अगेन। तो ये वाला व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि हम दिल्ली टूर पे गए और वहाँ पे हमने बहुत ही इन्जॉय किया। वहाँ पे हम गुरुद्वारे में गए, इंडिया गेट गए, रेड फोर्ट गए, तो ये सब आपको व्लॉग्स में देखने को मिलेगा। और कंटिन्यू करते हैं आगे ब्लॉग के लिए, टिल देन। और होप है आपको ब्लॉग पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल। लेकिन हमारा शीशा थोड़ा सा गंदा हो चुका है, इसको साफ करना पड़ेगा। टिल देन आप एंजॉय करो मेरा ब्लॉग। सो हम जा रहे हैं दिल्ली, कल को रहना है, टिकट बुक करवाने। वैसे तो ऑनलाइन रिजर्वेशन हो जाती है, बट सीट्स सेम नहीं मिलती तो अलग अलग मिलती हैं, तो इसलिए हम रेलवे स्टेशन आ गए, क्योंकि यहाँ पर हम सेटलमेंट करवा सकते हैं सीट्स की। तो फाइनली वी गॉट अवर टिकेट्स, आने की भी ले ली और जाने की भी, और अब हम जा रहे हैं वापस घर के लिए। और कल की है हमारी ट्रेन, सो फाइनली हम कल दिल्ली जा रहे हैं। पहले तो मिली नहीं थी, बट फाइनली मिल गई। सो फाइनली मैं उठ चुका हूँ और टाइम हो रहा है 4:23। वैसे तो हमारी नींद खुलती थी, जिस दिन हमने कहीं घूमने जाना होता है उस दिन हमारी नींद टाइम से खुल जाती है। और अब हम तैयार होने जा रहे हैं और फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ जाने के लिए। और हमने ट्रेन का स्टेटस भी चेक कर लिया, वो राइट टाइम पे है। सो हम स्टेशन पे तो पहुंच गए, बट यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है कि हमें इतनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं कि बंदा यहीं पे थक जाता है। पहले तो रेलवे स्टेशन के अंदर जाने के लिए और फिर प्लेटफॉर्म क्रॉस करने के लिए फिर दोबारा सीढ़ियाँ चढ़ो। अभी एक लेवल पास हुआ ही था और दूसरा फिर से आ गया, अब हमें प्लेटफॉर्म क्रॉस करना था और सीढ़ियाँ। सांस फूल गई, सो हम अपने प्लेटफॉर्म पे आ गए और ट्रेन का वेट करने लगे, क्योंकि इस ट्रेन के बाहर नेक्स्ट ट्रेन हमारी थी। फाइनली हमारी ट्रेन चल पड़ी दिल्ली की ओर और हमें अपनी सीट्स भी मिल गई आराम से। फिर हमने देखा कि रास्ते में हमें वंदे भारत क्रॉस कर रही है, ये तो मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी कि हाँ बढ़िया ट्रेन है ये भी, बट कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस लेंगे इस गाड़ी का भी। फिर ट्रेन में बैठ के हमने खाना खाया और इन्जॉय करते करते पहुँच गए दिल्ली दोपहर को 2 बजे। आपको ट्रैक से पता चल नहीं रहा होगा और मेट्रो भी जा रही है ऊपर कि हम दिल्ली पहुंच चुके हैं, अब बस वेट है हमारे स्टेशन पे उतरने की। सो लेट्स सी, हम दिल्ली तो पहुंच गए बट ट्रेन रास्ते में रुक गई क्योंकि किसी ट्रेन ने क्रॉस करना होगा इसलिए, लेकिन आधे घंटे बाद फिर चल पड़ी और पहुंच गए हम फाइनली दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे। और ये खचा खच भरा ही रहता है हमेशा जब भी आओ दिल्ली। और हमें लेनी थी आगे जाके मेट्रो और फिर हम चल दिए मेट्रो स्टेशन की ओर, लेकिन हमारे छोटे भाईजान, उनको लग गई भूख और उसने सबसे पहले अपनी पेट पूजा की और फिर हम चले आगे। लेकिन रेलवे स्टेशन के बाहर आते इतनी गर्मी, तो हम जल्दी से जल्दी मेट्रो स्टेशन के अंदर और वहाँ पे जाके अपने मेट्रो के टोकन लिए और चल दिए मेट्रो की ओर।
फाइनली हम पहुंच गए हैं दिल्ली। और कुछ देर रेस्ट करने के बाद और अपना सामान अपनी बुआ के घर पे रख के हम चल दिए आगे के ट्रिप की ओर। और व्लॉगिंग कंटिन्यूस करते हुए हम पहुंच गए बंगला साहब गुरुद्वारा। गुरुद्वारा बंगला साहब जो कि सिखों के 8वें गुरु गुरु हरकृष्ण साहब जी की याद में बनाया गया है। गुरुद्वारा में माथा टेकने के बाद हम ऑटो लेके चले गए गुरुद्वारा रकाबगंज साहब जो कि वहाँ से 10 से 15 मिनट दूर है। और ये गुरुद्वारा राष्ट्रपति भवन के एकदम करीब है। और इसी स्थान पर गुरु तेग बहादुर जी जो कि सिखों के 9वें गुरु थे उनके देह का संस्कार हुआ था। फिर हम गुरुद्वारा में माथा टेकने के बाद ऑटो लेकर एकदम से हमारा प्लान बन गया इंडिया गेट जाने का जो कि वो भी करीब ही था एकदम। वैसे तो मैंने इंडिया गेट कई बार देखा है बट एकदम करीब से देखने का चांस मुझे फर्स्ट टाइम मिल रहा था। और यहाँ पे एक बढ़िया चीज़ होगी है कि दूसरी सड़क से यहाँ तक पहुँचने के लिए एक अंडर पाथ बनाया है जो कि सीधा इंडिया गेट के सामने आके निकलता है। और यहाँ पे हमने फुल एंजॉय किया। इंडिया गेट पे घूमते घूमते हमें पता ही नहीं चला कब रात के 10:30 बज गए। और यहाँ पे अभी भी इतनी भीड़ थी कि लग ही नहीं रहा था कि रात हो चुकी है। फिर हमने वहाँ पे थोड़ी बहुत फ़ोटो क्लिक की और फिर हम चल दिए कुछ खाने पीने के लिए। आइसक्रीम खरीदी और अंडरपास क्रॉस करके हम चल दिए ऑटो ढूंढने। और ऑटो में बैठ के हम निकल गए घर की ओर। घर के लिए हमें तकरीबन लगने थे 1/2 घंटा। और फाइनली वी रीच अवर होम। और रात के बज चुके हैं 1 और यहीं पे हम अपना व्लॉग ख़त्म कर। तो ये था आज का व्लॉग, यहीं पे ख़त्म करते हैं। और देखो हमारा शीशा साफ हो चुका है, 15 मिनट लगा के मैंने साफ़ किया अच्छे से और अब हम चमक रहे हैं। तो यहीं पे आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। होप आपको पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना प्लीज़। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर।